हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सारे अच्छे होंगे। तो आज है संडे का दिन, सेलिब्रेट कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, या फिर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मान लीजिए अपने दिन को, अगर आपको अच्छा लग रहा है हमारा ब्लॉग, तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और यहाँ पे आरखा में तो मम्मी कर रही है किरण से बात। नहा धोके रेडी हो? क्या खाओगे आप? मुझे क्यों दिखा रहे हो अपने में देखो? तो क्यूटी कह रही है मुझे क्यों दिखा रहे हो अपने में देखो। तो यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ, नहा धोके रेडी हो गए, बनाने जा रहे हैं पकोड़े। तो चलिए चलते हैं किचन में और शेयर करते हैं आज का पूरा ब्लॉग आप लोगों के साथ। तो आज गिफ्ट लाने वाले हैं क्यूटी के लिए, तो हम जाएंगे शाम को मार्केट और क्यूटी भाई के लिए लाएंगे सरप्राइज गिफ्ट। तो एक छोटा सा गिफ्ट लाएंगे क्योंकि के लिए। आप लोगों को भी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ आ गए हैं क्यूटी पाई के डैडी, ये चले गई। अभी तक मेरे साथ बैठे थे किचन में, अब डैडी के पास। तो यहाँ मैं बना रही हूँ पकोड़े। तो यहाँ मैंने प्याज, बेसन और ये डालूंगी मैं मसाले, और यहाँ पे थोड़ा सा बेसन और घोल लूँ ताकि मैं आलू के पकौड़े बना पाऊँ क्योंकि क्यूटी खाएगी। तो चल लेते हैं गरम गरम पकौड़ों का ब्रेकफास्ट पहले रेडी। यहाँ पर अपने नाश्ते के साथ साथ मैंने रेडी कर लिया है क्यूटी के डैडी का भी खाना, तो बस उनको भी दे देती हूँ सब्जी, रायता और रोटी। फ्रेंड्स, यहाँ पे हो गया सबका ब्रेकफास्ट, सबको गरम गरम खिला दिए पकोड़े। तो अब मैं भी खा लेती हूँ, और मुझे पसंद है आलू के पकोड़े और केचप। तो फ्रेंड्स, खाना आना खा के हम लोग सो गए थे, पकोड़े खा के हैवी हो गए थे तो सो गए थे। तो अभी उठे हैं 3:30 बजे सारे, किसी को भी भूख नहीं लगी, फ्रूट्स खा लिए हैं। तो बस यहाँ पे मैं कर रही हूँ क्यूटी का दूध गर्म, दूध गर्म हो गया है तो क्यूटी को दूध पिला देती हूँ, और उसके बाद हम चलते हैं मार्केट। तो मिलते हैं आपसे आगे ब्लॉग में। तो यहाँ पर मार्केट जाने से पहले काफ़ी सारे बनाना पड़े थे, तो हमने सोचा क्यों ना बनाना शेक बनाया जाए, क्योंकि गर्मी का टाइम है, ऐसी ठंडी ठंडी चीज़ें पीने का मन करता है। तो हम बना रहे हैं यहाँ पे बनाना शेक, दूध, बनाना और काजू मिला के बढ़िया टेस्टी सा, आइस वगैरह डाल के। तो यहाँ देखिए बनाना शेक रेडी। तो अब हो जाते हैं हम रेडी, हम जा रहे हैं मार्केट, तिलक नगर मार्केट। तो देखते हैं वहाँ से क्या लाते हैं, तो आपके साथ भी शेयर करेंगे। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और जल्दी जल्दी से अगर न्यू है तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद ब्लॉग को देखिए। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए हमारे साथ और इन्जॉय करिए ब्लॉग को। तो यहाँ पर हम आ गए हैं सबसे पहले तिलक नगर मार्केट। तो देखिए मेरी बेटी ने यहाँ पे लिया है गोगल्स, ये देखिए इसे भी बड़ा ही शौक है। तो कैसी लग रही है क्यूटी, कमेंट में ज़रूर बताना। और यहाँ पर हो गई है मम्मी की और भाभी की भी कुर्ती शॉपिंग। तो शॉपिंग करने के बाद हम आ गए हैं तिलक नगर फर्नीचर मार्केट, और यहाँ से हम लेंगे क्यूटी के लिए अलमीरा। तो यहाँ फर्नीचर मार्केट से शॉपिंग करने के बाद हम आ गए हैं गांधी मार्केट में, सागरपुर में, और वहाँ से हमने लिया है पिज़्ज़ा, समोसे, मोमोज। तो बस हम कर रहे हैं पार्टी क्योंकि क्यूटी के लिए अलमीरा आई है, क्यूटी भी खुश है। तो अभी थोड़ी देर में, आधे से एक घंटे में क्यूटी की अलमीरा भी आ जाएगी। तो ये है क्यूटी की अलमीरा आ गई है। तो ऊपर चढ़ाने के लिए मेरा देवर और राज, भाभी का बेटा, तो ये दोनों ऊपर चढ़ा रहे हैं इसे। तो बस देखिए हमने क्यूटी के लिए थोड़ी सी छोटी साइज़ की अलमीरा ली है, जैसी मेरी है वैसी क्यूटी की भी है, थोड़े से छोटे साइज़ की, क्योंकि क्यूटी को कपड़े रखने के लिए ना एक सेपरेट अलमीरा चाहिए थी, तो इसलिए मैंने ये ली है। तो बस अब सर्दियों में ना प्रॉब्लम नहीं होगी इसके कपड़े, क्योंकि हमारे भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं तो कपड़े इधर उधर बिखरते हैं, इससे बढ़िया एक सेपरेट अलमीरा लिया हमने क्यूटी के लिए जिसमें हमारे भी आएंगे। तो ये था आज का ब्लॉग, ये थी क्यूटी की अलमीरा। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा,
अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, शुभ रात्रि, बाय।